शहर में OCW द्वारा जलापूर्ति की जाती है, लेकिन नागरिकों को OCW द्वारा ज्यादा पानी के बिल भेजे जा रहे हैं। साथ ही जलापूर्ति भी अनियमित तौर पर की जा रही है, जिसके चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से शनिवार को संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। OCW कंपनी द्वारा पूरे शहर में जलापूर्ति की जाती है, लेकिन OCW की ओर से अपने ग्राहकों को पीने के बिल ज्यादा मात्रा में दिए जा रहे हैं। साथ ही जलापूर्ति भी अनियमित तौर पर हो रही है। जगहों पर आधे से एक घंटा ही नलों में पानी आता है और दूसरी ओर पानी के बिल बड़ी मात्रा में। इसी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी सरकार और OCW के विरोध में ठिया आंदोलन किया गया है। नेमकी मागणी अशी आहे, जेव्हा OCW आम्ही अपॉइंट केलं नव्हतं महानगरपालिकेने, त्याच्या आधी 5 रुपये रेट होता, त्यानंतर वाढवता आता हा 8 रुपयापर्यंत रेट आणलेला आहे। 8 रुपयापर्यंत रेट आणला तरी सुद्धा त्यांचं पोट भरत नाही आहे। आता त्या नळामधून पाणी येत नाही, प्रेशर येते तरी तो मीटर गोल फिरतो, तर आता आवाचा सव्वा बिल येते आहे। सामान्य गरीब जनता जी आहे त्याला लुटण्याचं काम सुरू आहे OCW माध्यमातून, म्हणून हे प्रति आम्ही जाळल्या। आता आम्ही हा बिल घेऊन जातो, 30,000 बिल एका व्यक्तीने मला दाखवलं, 30,000 बिल तिथे गेल्यावर त्यांनी मग आपली चूक दुरुस्त करून ते 15 वर केलं। अरे तुम्ही असा चुका जाणून किती लोक बिचारे पोचतात त्या ठिकाणी, सामान्य लोकांची तर सुनवाईच नाही आहे। त्यामुळे तुम्ही अनापशनाप बिलं पाठवता, नंतर त्याला कमी करता, नंतर मोठं समाधान व्यक्त करता का आम्ही कमी केला, हे सर्व सरासर अन्याय सुरू आहे। OCW कंटिन्युअसली 5 वर्ष, त्यानंतर 2 वर्ष पुन्हा वाढलं, पुन्हा त्यांना वाढ देऊन राहिले, दर वर्षाला 5% त्यांचा पुन्हा रेट वाढून राहिलो आम्ही। शहर में बिजली बिल के बाद अब पानी के बिल भी बढ़ चढ़कर नागरिकों को दिए जा रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से OCW व भाजपा के विरोध ठिया आंदोलन किया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये मांगे कब तक पूरी होती है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।